दोस्तों, नींबू का पौधा अगर आप नर्सरी से लाए हैं, उसमें फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो ये जो फरवरी का महीना चल रहा है, बसंत ऋतु जब स्टार्ट हो जाती है, तो उस समय अगर आप नींबू के पौधे की केयर कर लेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्रूटिंग होगी। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि हम नींबू का पौधा लाए हैं, उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसमें अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई हो रही है, और उसकी जो ग्रोथ है वो तो अच्छी हो रही है, पौधा आपको हरा भरा दिखेगा, लेकिन जो उसमें फ्रूट है वो नहीं लगेंगे। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इसकी केयर अभी से, जो फरवरी का महीना चल रहा है, इस समय से अगर आप इसकी केयर करेंगे तो पूरे साल आपके नींबू के पौधे में अच्छे फ्रूट्स लगेंगे। तो आज मैं आपको पूरी केयर बताऊंगा। उससे पहले जो चैनल में मेरे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए, जैसे मेरे नींबू के पौधे में कितने अच्छे फ्रूट्स लगे हैं। इसमें जो नींबू का पौधा मेरा जो है, बारहमासी नींबू का पौधा है। अगर आप बारहमासी नींबू का पौधा लगाते हैं तो उसमें हमेशा जो है फल लगे रहते हैं, और इसमें देखिए छोटे छोटे फल भी आपको दिख रहे होंगे, ये भी आने में रहते हैं। ये मेरा पौधा, इसको हो गया करीब 4 साल, और इसमें देखिए फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। और लगाया हुआ है मैंने एक 20 लीटर की जो बाल्टी आती है, इसमें लगाया हुआ है। मैंने नींबू से, पौधे से रिलेटेड कई वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको नींबू के पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और उसमें कौन सी खाद देते हैं वो उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि नींबू का पौधा अगर आपका कोई एक बाकेट बकेट में या किसी भी चीज में लगा रखा, आप पहले तो नींबू के पौधे को जो होता है गमले में लगा रहे हैं, तो कम से कम 14 इंच का गमला चाहिए, और अगर आप बड़े जैसे ड्रम वगैरह या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो उसमें 24 इंच का ग्रो बैग होगा, तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। ये मैंने इसको 4 साल हो गया इसी में लगा हुआ है, और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो रूट बाउंड हो चुका है, इसमें देखिए खरपतवार भी आ गई है। ये खरपतवार जो होती है, ये पौधे की जो जितने न्यूट्रिशन है उसको खींच लेती है, तो आप इसकी जो खरपतवार है उसको निकाल दीजिए। आपने जो पौधा लगा रखा, ये देखिए इसमें रूट से कितनी बन गई है। अभी रिपोर्टिंग लायक तो नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो अभी जो रूट बाउंड नहीं हुआ है। अगर आप पौधा लगाते हैं, अगर रूट बाउंड हो गया तो इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उस अभी इसकी रूट बाउंड नहीं हुआ है, तो इसके आप जो मिट्टी होती है आप इसकी गुड़ाई कर देंगे, 4 से 5 इंच गुड़ाई करके आप ऊपर की जितनी जड़ें हैं वो निकाल देंगे, और इस तरीके से देखिए ये मिट्टी को आप पूरा साइड कर देंगे। इस पौधे की मैं रिपोर्टिंग करने की सोच रहा था, लेकिन इसमें जो है रूट बाउंड हुआ नहीं है अभी, तो मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो खाद दे रहा हूँ वो आपको पूरी जानकारी दूंगा। उस खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में भी अच्छी फ्रूटिंग होगी। सबसे पहले आप जो इसकी मिट्टी होती है ऊपर की, इसको निकाल दीजिए। इसमें जो जड़ें होती हैं ऊपर ऊपर आई हुई होती हैं जड़ें, ये कोई बात नहीं, टूट जाएंगी, दोबारा बन जाती हैं। इस तरीके से आप इसकी पूरी 3 से 4 इंच की मिट्टी निकाल दें। आपने गमले में लगाया है तो मैं उसके गमले के लिए भी बता रहा हूँ, गमले में भी आप यही चीज करेंगे। अगर आपने ड्रम या ग्रो बैग में लगाया तो उसमें भी इसी प्रकार से आपने इसकी मिट्टी निकाल देनी है ऊपर की। ये मिट्टी निकालने के बाद देखिए इसमें देखिए कितनी मोटी स्टेम हो रही है। ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है और इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से इसमें आप मिट्टी निकाल देंगे। मिट्टी हमेशा जो होती है वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल पोरस मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। जो मिट्टी बनती है उसमें आप राइस हस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसमें अगर गोबर की खाद ज़्यादा होगी तो आपकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनेगी, ये बिल्कुल हार्ड मिट्टी नहीं होगी। अगर आप हार्ड मिट्टी यूज करेंगे तो इसमें पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी और इसकी जड़ों को फैलने का जगह नहीं मिलेगी। तो आप इसकी गुड़ाई करते रहेंगे, अगर आपकी हार्ड मिट्टी है तो आप उसकी गुड़ाई करते रहें, और उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद हर 10-15 दिन में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा डालते रहेंगे, तो आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल पोरस बन जाएगी, इस तरीके की हो जाएगी, जिसमें जो पानी रुकेगा नहीं। पानी रुकेगा तो पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसकी मिट्टी निकाल देंगे। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसमें क्या यूज करना है आपने। ये देखिए जो ये मिट्टी निकाल लिखी और जो इसकी जड़ें टूट गई ऊपर से, तो इसमें फंगस ना लगे, उसके लिए हम जो इसमें इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये देखिए ये लकड़ी की राख है, लकड़ी की राख और कोयले वगैरह है इसमें। लकड़ी की राख आप इसमें एक मुट्ठी अगर डाल देंगे तो इसमें जो फंगस लगता है वो नहीं लगेगा। लकड़ी की राख में जो होता है न्यूट्रिशन की मात्रा भी बहुत मात्रा में होती है, इसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ के लिए एक आवश्यक तत्व है। तो आप लकड़ी की राख डालें इसमें। उसके बाद इसमें जो है आप गोबर की खाद, इसमें कम से कम आपने
चार पांच मुट्ठी, जैसे देखिए मैं डाल रहा हूँ, चार पांच मुट्ठी आप गोबर की खाद इसमें डाल दीजिए ऊपर से। गोबर की खाद जो होती है फुली डिकम्पोज होनी चाहिए। आप 6 से 7 महीने वाली गोबर की खाद यूज मत करें पुरानी, कम से कम 1 साल जो हो गया है वाली गोबर की खाद यूज करेंगे। उसके बाद इसमें आपने एक चीज और मिलानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक खास चीज है देखिए, यह है चाय पत्ती। चाय पत्ती से भी जो आपकी मिट्टी होती है बहुत अच्छी बनती है, पोरस मिट्टी बनती है और इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है चाय पत्ती में, तो आप इस तरीके से चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं। चाय पत्ती जो होती है ये, इसमें देखिए अदरक भी होगा, ये अदरक में भी बहुत न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ये पौधों की ग्रोथ इससे भी अच्छी होगी। तो आप कम से कम 3-4 मुट्ठी चाय पत्ती आप यूज पीते होंगे चाय, तो चाय पत्ती को आप फेंके मत, उसको एक बार वॉश करके आप सुखा दीजिए। इस तरीके से मैंने सुखाया है देखिए, तो आप अपने पौधे के लिए यूज कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप चाय पत्ती डाल देंगे इसमें, ऊपर से जो आपने जो मिट्टी निकाली हुई थी उसके बाद उसको डाल देना है। आप इसमें जो केले की जो छिलके होते हैं उनको भी यूज करेंगे तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। मैंने बीच में इसमें केले के छिलके की खाद डाली है तो अभी मैं नहीं डाल रहा हूं। इस तरीके से आप इसमें मिट्टी भर देंगे ऊपर से, ऐसे मिट्टी भर के इसमें आपने 1 कप पानी डाल देना है। 1 कप यानी 1 लीटर करीब पानी डाल देंगे। अब पानी तभी डालना है जब ऊपर की मिट्टी आपको 1 से 2 इंच सूखी हुई नजर आएगी, तभी पानी डालना है। और इसको पूरे दिन की धूप में रखिए। नींबू का पौधा जो होता है फलदार पौधा होता है, इसलिए आप इसको पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी इसमें अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे आप। इस समय आप इसकी अगर नींबू के पौधे की अगर प्रूनिंग कर देंगे हल्की हल्की, जैसे जो ब्रांच सूख चुकी है इनकी प्रूनिंग कर देंगे इस तरीके से, देखिए ये जो सूखी हुई ब्रांच है इनको आप कट कर दीजिए। अगर आपका नया पौधा है तब तो उसमें प्रूनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं पौधा तो कम से कम 1 से 1.5 साल लेगा आपका फ्रूटिंग देने में। तो अगर आपकी फ्रूटिंग एक बार ले ली है तो उसकी जैसे देखिए कट कर दीजिए सूखी ब्रांच। ये देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एक बार फ्रूटिंग ले ली है तो आप इसको हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे कि इसमें बाद आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ होगी और पौधे में अच्छी फ्रूटिंग होगी। ये देखिए मेरे पौधे में देखिए ये फ्रूट्स छोटे छोटे आने में लगे हैं, ये आने वाले समय में बड़े होंगे। तो इस तरीके से आप अगर नींबू का पौधा लगाते हैं, इसकी केयर करते हैं, तो आप भी नींबू के पौधे से अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। दोस्तों नींबू के पौधे से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।